भाई ये अफस्पा क्या है? अरे इतना भारी भरकम शब्द किस डिक्शनरी में पढ़ लिया भैया तुमने? अरे मैंने पेपर में पढ़ा कि आसाम के जो सीएम है ना, वो अमित शाह से अफस्पा हटाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अच्छा तो आज आपको इतिहास पे बात करनी है। जो भी है मेरे को इसके बारे में जानना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को पूरी तरह से हटाने की रूपरेखा पर चर्चा की। शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री के सुझावों के आधार पर उनकी सरकार आगे कदम उठाएगी। ये तो हो गई खबर। अब बात करते हैं कि अफस्पा है क्या। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी अफस्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो कि वर्तमान समय में असम के 8 जिलों में लागू है। पर भाई इस कानून की शुरुआत कब हुई? रिपोर्ट्स की माने तो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए अफस्पा को अध्यादेश के जरिए 1942 में पारित किया था। 8 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तब अपनी शुरुआत के एक दिन बाद ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया और देश भर में कई जगहों पर हिंसक हो गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वीबी पटेल और कई अन्य नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। देश भर में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा से आहत तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने सशस्त्र बल अध्यादेश 1942 को इंट्रोड्यूस किया था। आंदोलन जब तेजी से चलने लगा, तब ब्रिटिश सरकार ने इस अध्यादेश के चलते सशस्त्र बलों को मारने का लाइसेंस दे दिया था। ये कानून आजाद भारत के सबसे विवादित कानूनों में से एक रहा। ये कानून कभी पूर्वोत्तर राज्य समेत पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में भी लागू किए जाने पर चर्चा में रहा है। सशस्त्र बल अधिनियम एक संसदीय अधिनियम है, जो कि भारतीय सशस्त्र बल एवं राज्य और अर्धसैनिक बलों को अशांत क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में विशेष शक्तियां प्रदान करता है। अफस्पा अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का है। अच्छा ये तो बता कि अफस्पा के मोटिव्स और पावर क्या है। अरे थोड़ा डिटेल में बताना यार। जिस राज्य या जिले में अफस्पा लागू किया जाता है, वहां स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सशस्त्र बलों को कई शक्तियां दी जाती हैं। अफस्पा तब लागू किया जाता है जब आतंकवाद या विद्रोह का मामला होता है और भारतीय की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में होती है। ये बात तो हो गई अफस्पा के मोटिव की। अब बात करते हैं अफस्पा के पावर्स की। इस कानून की धारा 4 के अनुसार सशस्त्र बल संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी ले सकते हैं। वहीं कुछ खतरा होने का अंदेशा होने पर अधिकारी उस स्थान को नष्ट करने के आदेश भी दे सकता है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कानून तोड़ने वाले किसी भी शख्स पर गोली चलाने का अधिकार होता है। मौत होने पर भी इसकी जवाबदेही सुरक्षा बलों पर नहीं होगी। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी के दौरान सुरक्षा बल के द्वारा किसी भी तरीके की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। सुरक्षा बल बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति के घर संपत्ति की तलाशी ले सकते हैं और इसके लिए बल प्रयोग भी कर सकते हैं। सुरक्षा बलों द्वारा किसी वाहन को रोक कर उसकी तलाशी ली जा सकती है। ये कानून सुरक्षा बलों को उनके वेद कर्मों के लिए कानूनी वचन प्रदान करता है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों के काम पर केवल केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। अफस्पा एक्ट किसी भी सैनिक पर कार्रवाई से बचाव करता है। सशस्त्र बल और सरकार आतंकवाद और विद्रोह का मुकाबला करने के लिए अपनी आवश्यकता को सही ठहराते हैं। आलोचकों ने कानून से जुड़े संभावित मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले की ओर भी इशारा किया है। अच्छा किन क्षेत्रों में अफस्पा लगाया जाता है और किन क्षेत्रों में अफस्पा हटाया गया है? देख जिन राज्यों को डिस्टर्ब घोषित किया जाता है वहां पर अफस्पा लगाया जाता है। जैसे असम, साल 1990 तक पूरे राज्य में अफस्पा लागू था। अब आधे से ज्यादा जिले से पूरी तरह इसे हटा लिया गया है। वहीं कुछ जिलों में ये आंशिक रूप से लागू है, जिसे साल के अंत तक हटा लिया जाएगा। नागालैंड, साल 1995 से पूरे इलाके में अफस्पा कानून लागू था। मार्च 2022 में 7 जिलों के 15 पुलिस थानों से इसे हटा लिया गया है। मणिपुर, इंफाल के 7 क्षेत्रों को छोड़कर पूरे इलाके में 2004 से अफस्पा लागू है। मार्च 2022 में 6 जिलों के 15 पुलिस थानों से इसे भी हटा लिया गया था। त्रिपुरा, उग्रवादी हिंसा के चलते 16 फरवरी 1997 को त्रिपुरा में पूरी तरह से अफस्पा लागू किया गया था, जिसे स्थिति सुधरने पर 18 साल बाद मई 2015 में हटा लिया गया था। अरुणाचल प्रदेश, इस राज्य के 20 फरवरी 1987 को बनने के समय से विवादित अफस्पा कानून लागू था। साल 2019 में काफी हद तक हटा लिया गया, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी लागू है। मेघालय, साल 2018 में राज्य में उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में कमी के कारण 31 मार्च 2018 से अफस्पा को मेघालय से भी वापस ले लिया गया था। पंजाब की बात करते हैं।
अलगावादी आंदोलन के कारण इसे 1983 में पंजाब और चंडीगढ़ में लागू किया गया था और ये वहां 1997 तक 14 वर्षों तक चला। जम्मू कश्मीर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1990 सितंबर में कश्मीर में लागू किया गया था। उसके बाद 2001 में इसे जम्मू में भी लागू किया गया। केंद्र सरकार के मुताबिक 2014 के मुकाबले 2021 में उग्रवादी घटनाओं में 74% कमी आई। वहीं पिछले कुछ सालों में 7000 से ज्यादा उग्रवादियों ने सरेंडर भी किया है। और किस राज्य को कब डिस्टर्ब घोषित किया जाता है? जिस राज्य या जिले में धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूहों, जातियों, समुदायों के बीच में मतभेद या विवादों के कारण राज्य या देश की संप्रभुता पर संकट खड़ा हो, तब राज्य या केंद्र सरकार एक क्षेत्र को डिस्टर्ब घोषित कर सकती है। चल अभी के लिए इतना ही। वीडियो में बताई सारी इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर और लोगों को कहे कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।